नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पुरवैया और मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा। आम लोग इस बात के बाट जो रहे थे कि जरूरत के सामान की कीमत घटे जिससे उनकी मुसीबत थोड़ी कम हो, लेकिन हुआ ठीक उलट। बिहार सरकार ने जरूरत के सारे सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया है। जाहिर सी बात है, इस फैसले से पहले से त्रस्त जनता पर थोड़ा और बोझ बढ़ना तय है। बिहार सरकार ने रोजमर्रा के कई सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया है, इसे लेकर आम लोगों में काफी असंतोष है। पटना की जनता तो यहां तक कह रही है कि बिहार सरकार के नुमाइंदे अपनी सुख सुविधाओं के लिए जनता पर बोझ बढ़ा रहे हैं। वहीं अर्थशास्त्री मानते हैं कि शराबबंदी का असर इसमें साफ तौर पर दिख रहा है। शराबबंदी के कारण टैक्स रेवेन्यू में कमी आई है, स्वाभाविक है, उसका असर बिहार की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगी और उससे जो कमी हो रही है उसको पूरा करने की कोशिश है, यह ऐसा लगता है। नीतीश कुमार ने चुनाव के पहले भी कई ऐसे निर्णय लिए थे जिससे बिहार के खजाने पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा है। खजाना खाली है, इनके पास विकास कार्य के लिए पैसे नहीं हैं। शराबबंदी से भी जो डैमेज इनको लग रहा है होने का करों में, उसका भार भी कम करना है सरकार के ऊपर से। तो आज स्थिति हो गई है कि बिहार में रोटी, कपड़ा और मकान तीनों महंगा हो गया है, सस्ता केवल खून हो गया है, लोगों की जान हो गई है। बिहार में अब घर और सेहत बनाना महंगा हो जाएगा क्योंकि कैबिनेट ने कराधान पर अतिरिक्त टैक्स को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। राजस्व बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने कराधान पर अतिरिक्त टैक्स बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद राज्य में अब बालू, ऑटो पार्ट्स और सभी तरह के सूखे मेवे महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में IGIMS को 50 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदान देने और कॉलेज और कॉमर्स का नाम बदलकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट एंड साइंस रखने पर सहमति दी गई है। कैबिनेट की बैठक में फिल्म चौक एंड डस्टर को मनोरंजन कर से मुक्त करने का फैसला लिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि कैबिनेट के फैसले के बाद बिहार में क्या क्या महंगा हो गया है। 500 रुपए प्रति मीटर से अधिक मूल्य के कपड़ों पर 5% टैक्स लगा है और इस दर से 2000 रुपए से अधिक मूल्य की साड़ियों पर 5% टैक्स चुकाना होगा। 500 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा की मिठाइयों पर 5% टैक्स लगेगा। पैक्ड, ब्रांडेड और संरक्षित नमकीन और इसके अलावा समोसा पर 13.5% टैक्स चार्ज किया जाएगा। ब्रांडेड चनाचूर, भुजिया, दालमोठ, चिप्स पर 13.5% टैक्स लगाने को मंजूरी प्रदान की गई है। सभी प्रकार के UPS के विक्रय पर 13.5% टैक्स लगाया जाएगा। सूखे मेवे के विक्रय पर 13.5% टैक्स, ऑटो पार्ट्स और बैटरी पार्ट्स पर 13.5% टैक्स लगेगा। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट पर 5% टैक्स लगेगा, जबकि बालू पर 13.5% टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर साज सामान की बात करें, इत्र श्रृंगार के सामान और केश तेल पर 13.5% टैक्स लगाने की मंजूरी प्रदान की गई है। मॉस्किटो रिप्लेंट पर 13.5% टैक्स अब लगाया जाएगा। इस तरह से कई चीजें बिहार में महंगी हो गई हैं। 500 रुपए प्रति मीटर तक के जो टेक्सटाइल फैब्रिक है और 2000 रुपए के ऊपर की मूल की साड़ी पर कर लगाया गया है। 5% की दर से कर दे होगा। 500 से ऊपर मूल्य की जो मिठाइयां हैं उस पर अब 13.5% टैक्स लगेगा, मतलब 500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उस पर 13.5% के हिसाब से टैक्स। आइए अब आपको बताते हैं कैबिनेट के फैसले के बाद बिहार में क्या क्या महंगा हो गया है। 500 रुपए प्रति मीटर से अधिक मूल्य के कपड़ों पर 5% टैक्स लगेगा। 2000 रुपए से अधिक मूल्य की साड़ियों पर 5% टैक्स लगेगा। 500 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा की मिठाइयों पर 5% टैक्स चार्ज होगा। पैक्ड, ब्रांडेड और संरक्षित नमकीन और समोसा पर 13.5% टैक्स लगेगा, जबकि ब्रांडेड चनाचूर, भुजिया, तालमोठ, चिप्स पर 13.5%
टैक्स लगेगा। तो बिहार सरकार ने रोजमर्रा के सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया है, इससे आम जनता में असंतोष है। सुनते हैं कुछ आम लोगों की राय कि आखिर वे क्या सोचते हैं। इससे जनता पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा और स्टेट को इससे नुकसान होगा, फायदा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार से जितने भी पड़ोसी स्टेट हैं सब जगह 4% और 5% टैक्स है। जनता के लिए छूट है, कैसे भी माला जाएगा। आज भी इतना रोक के बाद भी बिना बिल और बिना परमिट का करोड़ों का माल हर एक तरह का आता है, जो साबित हो रहा है कि रोज सरकारी पदाधिकारी लोग हैं जो ट्रक और ट्रांसपोर्ट को सीज करते हैं। करेगा ना, 5% से 13.5% होने जा रहा है, तो मोटा मोटी 8.5% का बढ़ोतरी एकाएक हो जाएगा। ऐसे ही हर चीज़ का वस्तु का जो है दाम बढ़ते जा रहा है, और इसके बाद जो अंतिम लक्ष्य लोग का होता है एक अपना मकान हो, उस पर भी जो है बिजली के रूप में जो है वायर वगैरह में जो है 13.5% हो गया है। न्यूज़ के माध्यम से पता चला है कि बहुत सारी चीज़ों पर टैक्स बढ़ाया गया है, इससे आम जन जीवन में फ़र्क पड़ेगा। सीधे तौर पर आम जन जीवन, हम लोग इंसान जो रोज़मर्रा की चीज़ें अगर बढ़ाएंगे, बेसिक चीज़ पर अगर आप बढ़ाएंगे तो उससे आम जन जीवन पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। वहीं बिल्डिंग बनाने वाली कंपनियों और इस कारोबार से जुड़े लोगों का भी मानना है कि सरकार के फैसले से महंगाई बढ़ेगी। जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता ब्रजम पांडे ने। नीतीश कुमार की कैबिनेट ने बालू पर कीमत बढ़ा दी है, इसके अलावा मकान बनाने की जो सामग्री होती है उस पर भी कीमत बढ़ी है, टैक्स बढ़ा है। हमारे साथ तमाम वो लोग हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं या फिर सप्लाई से जुड़े हुए हैं। असर कितना असर पड़ेगा इस बिजनेस पर, 13.5% तक बढ़ाया गया है, इससे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी, निर्माण कार्य बाधित होंगे, और बिहार में तो कुछ है नहीं, केवल निर्माण का है वो सब। अब हम लोग अभी आज के डेट में 2500 में बालू बेचते हैं जी, अब इसमें 15% कितना परसेंट बाधित हुआ, 13% तो 2500 का बालू मोटा मोटी अब 2800 रुपये में बिकेगा। एक तो ऐसी 2500 में हम लोग के नहीं बिकता था, दिन भर सुबह शाम तक आके यहाँ हम लोग बैठे हुए रहते थे, अब 2800 में कहाँ, सब साहब मजदूर लेबर ठेकेदार मिस्त्री और महामारी बहेगी। हमारे साथ और लोग हैं, सर कितना असर पड़ेगा इस निर्माण कार्य, निर्माण कार्य पर इसका बहुत अंतर पड़ेगा, लेबर मजदूर बेकार हो जाएगा समझे, और निर्माण का तो बहुत ज़्यादा मन अंतर पड़ेगा। ऐसे हालात में इनका मानना है कि जिस तरह से कीमत बढ़ी है, बिहार सरकार ने टैक्स बढ़ाया है, उसमें अब ग्राहकों को कन्विंस करने में थोड़ी दिक्कत होगी। उसके बाद अभी तो बाजार थोड़ा नरम था, अब और नरम होने की उम्मीद है। कैमसन सिंधु मनीष के साथ प्रजम पांडे, जी मीडिया पटना। तो माना जा रहा है कि सरकार ने जो टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया है उससे आम लोगों की मुसीबत और बढ़ेगी। पहले से ही आम लोग महंगाई से त्रस्त हैं, रोजाना इस्तेमाल की चीजों के दाम में हर रोज इजाफा हो रहा है। देखते हैं सरकार के फैसले के बारे में क्या कुछ सोचते हैं आम लोग। उससे पहले आपको बता दें कि पैक्ड ब्रांडेड संरक्षित चनाचूर भुजिया दालमोट चिप्स के दाम बढ़ गए हैं, और 500 रुपये प्रति मीटर से अधिक मूल्य के जो कपड़े हैं उन पर भी टैक्स लगा दिया गया है। 2000 रुपये से अधिक के अब जो कपड़े हैं उस पर टैक्स लगेगा। मिठाइयों पर भी टैक्स लगा दिया गया है, और ख़ास तौर पर सूखे मेवे बिहार में महंगे हो गए हैं। ब्रांडेड चनाचूर भुजिया और बाकी जो सामान हैं जो रोज़मर्रा के दिनों में इस्तेमाल किए जाते हैं उन सब के दाम बढ़ गए हैं। UPS की बात करें, सूखे मेवे की बात करें, या फिर ऑटो पार्ट्स और बैटरी पार्ट्स की बात करें, सब कुछ महंगे हो गए हैं। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स भी महंगे हो गए हैं। बालू पर भी 13.5% टैक्स लगा दिया गया है अतिरिक्त, जिससे महंगाई बढ़नी तय मानी जा रही है। चूंकि बिल्डिंग मटेरियल अगर महंगा होता है तो इसका साफ असर महंगाई पर पड़ता है। मॉस्क्यूटो रिपेलेंट की बात करें, उस पर भी 13.5% टैक्स लगाया गया है। इत्र श्रृंगार के सामान महंगे हो गए हैं। इसके अलावा समोसे की बात करें, सूखे मेवे की बात करें, दालमोट की बात करें, बालू की बात करें, UPS की बात करें, या फिर अन्य चीज़ों की बात करें, कई जगहों पर टैक्स चस्पा किया गया है जिसका सीधा असर बिहार की महंगाई पर पड़ेगा। सूबे की जनता ऐसे ही महंगाई से कराह रही है, ऊपर से लगातार टैक्स बढ़ा देने से आम लोगों पर बोझ पड़ना तय माना जा रहा है। आपको बता दें सभी प्रकार के UPS अब महंगे हो गए हैं, सूखे मेवे पर भी टैक्स लगा दिया गया है, ऑटो पार्ट्स, बैटरी पार्ट्स, इसके अलावा अगर बात करें ब्रांडेड कपड़े
वो भी महंगे हो गए हैं, इत्र श्रृंगार के सामान महंगे हो गए हैं, बालू जो कि प्रोडक्शन मटेरियल माना जाता है उस पर भी टैक्स लगा दिया गया है, जिसके कारण अब जो बिल्डिंगें बनेगी, इमारत बनेगी, या फिर कह सकते हैं कि जो फ्लैट्स आप परचेज करेंगे बिहार में, वो महंगे बिकेंगे और उसके कारण आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। माना जा रहा है कि सरकार ने जो टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया है उससे आम लोगों की मुसीबत और बढ़ने वाली है। पहले से ही आम लोग महंगाई से कराह रहे हैं, रोजाना इस्तेमाल की चीजों के दामों में रोज इजाफा हो रहा है। देखते हैं सरकार के फैसले के बारे में आम लोग क्या सोचते हैं। पटना में कुछ लोगों से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता रश्मि ने। बिहार में लोगों की पहली जरूरत यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान जल्द ही महंगे हो जाएंगे। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट ने इस बात पर मुहर लगा दी है, तो इसका सीधा असर आम आदमी पर क्या पड़ने वाला है, महिलाओं पर क्या पड़ने वाला है, आइए जान लेते हैं। मैम, बहुत सारी चीजें महंगी होने जा रही हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, रिएक्शन क्या है आपके? फर्स्ट लेडीज के लिए तो किचन इज अ प्रायोरिटी, तो किचन इज गोइंग टू गेट मोर एक्सपेंसिव। आपने सुना है कि जो साड़ियाँ 2000 में आप खरीद रही थी वो भी महंगी हो जाएंगी, तो फंक्शन पार्टी कैसे अटेंड करेंगी आप? नहीं, बिल्कुल थोड़ा डिफिकल्ट तो है, लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट के पास भी शायद कोई ऑप्शन ना हो। मैम, क्या रिएक्शन है आपका? बहुत सारी चीज़ों की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, क्या कहेंगे आप? जाहिर है अच्छा नहीं लगेगा। हम तो सरकार से बहुत उम्मीद लगा के रखे थे कि इस गवर्नमेंट के फिर रिटर्न होने के बाद पूर्ववत ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा अफसोस है हमें। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद होगी तो उसकी वजह से जो नुकसान पहुंचेगी स्टेट गवर्नमेंट को, उसको बैलेंस करने के लिए ऐसा किया गया, ये फैसले लिए गए, क्या कहेंगे आप? ये तो बहाना है, मैं नहीं मानती ऐसा। तो ये बहाना है, नीतीश कुमार से महिलाओं का ये कहना है कि ये बहाना है। अच्छा मैम, अब बैलेंस कैसे करेंगी अपने बजट को, किस तरह से कटौती होगी? थोड़ा सा मन को दबा के रखना पड़ेगा, और क्या कहा जा सकता है इसके लिए। तो मन मारना होगा, जो चॉइसेस है उनको थोड़ी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, जो लिस्ट है लंबी सी उसको थोड़ी करनी पड़ेगी, कट करनी पड़ेगी, छोटी करनी पड़ेगी। मैनेज तो करना ही है, आम आदमी है तो भाई मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो बात फैशन की हो और लड़कियों से बात ना हो, कॉस्मेटिक्स की चीजें हैं चाहे वो और साड़ियाँ वगैरह हैं, इनकी भी कीमतें बढ़ने वाली हैं, क्या रिएक्शन है? रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा वैट पे करते हैं बिहार में, तो आपको पता ही काफ़ी ज़्यादा हाई था और अब और ज़्यादा हाई हो गया है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात हो गई है, खास करके कॉस्मेटिक्स एंड ज्वेलरी एंड क्लोथिंग एंड ऑल दैट एंड फूड, जिसे पैकेज्ड फूड पे भी बढ़ गया है, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। तो फिर आप मैनेज कैसे करोगे सारी चीज़ों को? मैनेज हमको तो नहीं करना पड़ता है, आई एम नॉट अ वर्किंग वुमन, लेकिन मेरी मम्मी को मैनेज करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली उनको प्रॉब्लम होगी। कई बार हम अपने पॉकेट मनी को सेव करके हम कॉस्मेटिक्स की चीजें खरीदते हैं, तो वो पॉकेट मनी में प्रॉब्लम हो जाएगी, सेव नहीं कर सकते उतना, जो पॉकेट मनी पहले सेव कर लेते थे वो सेव नहीं हो पाएगा, वो सारा खर्च हो जाएगा। जी, तो सारे पैसे खर्च हो जाएंगे चाहे वो पॉकेट मनी की बात हो, तो लड़कियां अपने पॉकेट मनी सेव करके ही अपने कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीदती हैं, तो असर यहाँ भी पड़ने वाला है। अब अपने बजट को कैसे मैनेज करेंगी आप? होम मिनिस्ट्री देखती हैं घर की? नहीं, हम तो जॉब में हैं। अच्छा, फिर भी एक रोल तो होगा ही घर में वो बजट को कंट्रोल करने में, आप समझ सकती होंगी कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे आपकी साड़ियाँ हो, कॉस्मेटिक्स के सामान हो, या फिर मिठाइयाँ हो, समोसे हो, तो हम बहुत सब चीज़ को थोड़ा रिजनेबल प्राइस कर लेंगे, सब में कोई ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ ब्रांडेड ही हो, नॉर्मल रेंज का चीज़ लेंगे, क्योंकि हम लोग नॉर्मल लोग हैं तो नॉर्मल ही रहेंगे ना। आपने लास्ट वोटिंग में पार्टिसिपेट किया होगा, वोट दिया होगा, सारी महिलाओं की एक ही मांग है थी शराबबंदी, पूरी तरह से शराबबंदी हो स्टेट में, तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो राजस्व कर है उसमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा, उसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए नीतीश कैबिनेट ने यह फैसला लिया है, तो सैक्रिफाइस के लिए तैयार हैं, साड़ियाँ महंगी सस्ती? हम लोग सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल। तो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, लेकिन महिलाओं की पहली मांग है, जो प्रायोरिटी है, वो यही है कि स्टेट में पूरी तरह से शराबबंदी हो, साड़ियाँ महंगी हो गई कोई बात नहीं है, कॉस्मेटिक्स महंगे हो गए कोई बात नहीं है, मेहमान नवाजी भी थोड़ी महंगी हो जाएगी कोई बात नहीं है, तो मिला जुला करके असर देखने को मिल रहा है महिलाओं की तरफ से, चाहे वो पुरुष हो चाहे उनकी तरफ से भी, नीतीश कैबिनेट के इस फैसले से। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ रश्मि शर्मा, जी मीडिया।
पटना। इससे पहले कि स्पेशल खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त भागलपुर से। भागलपुर में देसी बम फटने से 3 बच्चे जख्मी हो गए हैं। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना जगदीशपुर थाने के खिरीबंद इलाके की बताई जा रही है। आपको बता दें, भागलपुर में देसी बम फटने से 3 बच्चे जख्मी हो गए हैं। जगदीशपुर के खिरीबंद इलाके की ये घटना बताई जा रही है। देसी बम फटा है, 3 बच्चे जख्मी हैं। जिमडिया संवाददाता अजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, कैसी हालत है बच्चों की? ये मैं आपको बता दूं कि बच्चे की हालत अभी काफी गंभीर बनी हुई है। 3 बच्चे घायल है, जिसमें 2 बच्चे की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। घटना है जगदीशपुर थाना क्षेत्र के खिरी बांध की है, जहाँ एक व्यक्ति राकेश नामक व्यक्ति के घर में बम रखा हुआ था और ये बम झोले में रखा हुआ था और उसी घर के ही बच्चे खेलने के क्रम में उस बम को पटक दिया, जिसके कारण बम फट गया है और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल है। जी, कहाँ भर्ती कराया गया है इन्हें, क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर? ये तीनों घायलों को भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल जो है 2 बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारियों के लिए। 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक बच्चे का प्राथमिक इलाज किया गया है। बॉम्ब फट गया हाथ में, इसी कारण ये लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इनका भागलपुर के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बढ़ेंगे आगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सड़क निर्माण से जुड़ी कंपनियों के अधिकार के साथ एक बैठक की। उन्होंने बैठक में मौजूद अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि सरकार विकास के काम को लेकर गंभीर है और वो निर्माण काम में लगे तमाम लोगों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में जमीन अधिग्रहण से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी और अगर कोई समस्या होती है तो इसकी सूचना तुरंत उन्हें दी जाए। जो भी परेशानियां आती हैं, चाहे जो भी ऐसे रंगदारियों या नक्सलियों से निपटने की जो रंगदारी जो मांग करते हैं, या लैंड एक्विजिशन का भी बहुत बड़ा हमारे डिपार्टमेंट में जो समस्या आता है, इन सब के हम लोगों ने समीक्षा की। एक एक करके हम लोगों ने सारे कॉन्ट्रैक्टरों से भी बात की और हम लोगों ने जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे सबको हम लोगों ने सिक्योरिटी अवेल करा दिया है। कई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हमको बोल रहे थे कि छोटे छोटे हम लोग हैंडल कर लेते हैं, उनको भी हमने साफ इंस्ट्रक्ट किया है कि नहीं, कोई भी छोटा हो उसको आप लोग सीरियसली लीजिए और इसके लिए हम लोग ओपन है। कोई भी थ्रेट आए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी नंबर अपना अवेल करा दिया, डायरेक्टली ही कैन कम्युनिकेट विद देम ऑल्सो और हमारे को भी SMS कर दें या बात कर लें, डायरेक्टली आकर के बात कर दें। कोई भी घटना होगी तो उस पर हम लोग सीरियसली हम लोग एक्शन लें। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ हुई बातचीत को सड़क निर्माण कंपनियों के अधिकारियों ने सार्थक बताया है। चड्ढा एंड चड्ढा कंपनी के GM देवेश राठौर ने बताया है कि डिप्टी सीएम ने कंपनियों को सुरक्षा का भरोसा जताया है। नो, वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड। डिप्टी सीएम साहब ने पर्सनली हर चीज के लिए ऊपर अटेंशन पे किया है। उन्होंने अपना नंबर भी दिया है कि कब कोई प्रॉब्लम होगा तो डायरेक्टली उनसे बात करेंगे। खबर झारखंड से है। गेतलसूद पंचायत में आम दिनों की तरह ही ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन एक बात नई थी। इस बार ग्राम सभा में सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मौजूद थे। सीएम ने लोगों से सामने उनके विकास की योजनाएं बनाई। इसी दौरान कुछ ऐसे सुझाव सामने आए जिसका सीएम ने स्वागत किया, उसकी तारीफ की। वहीं एक बच्चे ने एक कंप्लेन की सीएम के सामने। उसने कहा कि इंदिरा आवास योजना में भ्रष्टाचार खुले तौर पर चल रहा है और सीएम को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अपने गांव का विकास, गांव का विकास जब होगा कि अभी के लिए इंदिराबाद आता है, ऊपर जाते आते नीचे उनको धमनी के नाम से आता है इंदिराबाद, लेकिन उनको बेच दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? करना चाहिए, गरीब इंदिराबाद मिला तो छात्र के सवाल को ग्रामीणों ने तालियों से समर्थन दिया। तो सीएम साहब ने भी कहा कि पीछे से जिस तरह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने साफ साफ ये मान लिया कि 2 से 5 हजार रुपए तक इंदिरा आवास योजना में चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, तब जाकर किसी का काम बन पाता है।
यही सोच जो बच्चे में सोच विकास को लेकर है, यहाँ बैठे लोग का इसी तरह सोच हो गया। इंदिरा आवास में बात सही है, शिकायत आती रहती है, क्या पदाधिकारियों नीचे का क्या रुपया बिना 5,000 रुपया 2,000 रुपया को इंदिरा आवास नहीं पास है। योजना बना ये जो सर्वे होगा उसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, ये जो है अभी सीएम के आश्वासन के बाद उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में राज्य में बेहतर तस्वीर उभर कर सामने आएगी। बढ़ेंगे आगे, झारखंड में अब आम आदमी से जुड़ी विकास योजना सरकारी दफ्तरों में नहीं बल्कि गांव की पंचायतों में तैयार होगी। रांची में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने योजना बनाओ अभियान की शुरुआत अनगढ़ा ब्लॉक के गेतल सूद से की, जहाँ ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी। हमारी सरकार ने 4,402 ग्राम पंचायत में योजना बनाओ अभियान के तहत, जहां मैं खुद आपके समक्ष उपस्थित हूं, हर जिले में एक दो ग्राम पंचायत की बैठक इसी तरह हम लेंगे। हमारे मंत्रिपरिषद के जितने मंत्री, हर मंत्री बैठक लेंगे, हर एमपी हर एमएलए जिस जिस ग्राम पंचायत की बैठक लेंगे। हमारी सरकार का प्रयास है उस खाई को मिटाना। शासन और जनता के बीच कोई गैप नहीं रहता और इसी गैप को समाप्त करने योजना बनाओ अभियान की शुरुआत आज आपके इस धरती से हो रही है। ये उनकी सोच और उसी सोच के अनुसार, चाहे हमारे केंद्र की मोदी जी की सरकार हो, चाहे राज्य में आपकी है जनता की सरकार, हम जनता से सीधे इस गांव का विकास का प्लानिंग आप कर, ना कि हमारे सचिव या हम मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट बिल्डिंग में बैठे। आप आज बताओ कि आपके गांव में क्या होना चाहिए। ये जो सिस्टम बनी है जिसके बारे में हमारे सचिव बता रहे थे, हमारे भाई बहन आपको बता रहे थे, ये आप ही के बोलने के, जब तक इस गांव के प्रति दर्द, इस गांव को हमें विकसित गांव बना, इस गांव में हमारा कोई बच्चा बिना स्कूल ना जाए, ये कौन चिंता करे सरकार। और पूर्वी स्पेशल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।